जरूरी फोन कॉल्स जैसे काम कर सकते हैं। दोपहर में 3 से 5 बजे के दौरान आपको सुस्ती या आलस महसूस होता है, इसके पीछे की वजह है सेरोटोनिन का लेवल कम होना। इस वक्त आप चाहे तो आधे घंटे की झपकी भी ले सकते हैं। इसके बाद शाम के 6 से 8 बजे हम खुशी से और एनर्जी से भरपूर रहते हैं। इस वक्त एनर्जी वाले काम भी किए जा सकते हैं और अगले दिन की प्लानिंग भी कर सकते हैं। रात 10 बजे ये आपके सोने के लिए सबसे अच्छा समय है। अगर ये समय आपके हाथ से निकल चुका है तो आप रात 1 बजे भी सो सकते हैं, लेकिन इसे रोजाना की आदत में शामिल न करें। जैसे ग्रह दशा देखकर किसी की राशि और उसके गुणों का आकलन किया जाता है, आप समझिए कुछ वैसे ही हॉर्मोन्स के रिलीज होने के टाइम के हिसाब से ये मूड का आकलन है। लेकिन जैसे हर कन्या राशि वाला व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, ठीक वैसे ही मूड की घड़ी की सेटिंग भी इतनी मशीनी नहीं है। व्यक्ति का अपना स्वभाव और उसके हालात भी तय करते हैं कि दिन कैसा गुजरेगा। मेरे हिसाब से ये चंबलडा बहुत ज्यादा लोगों का एक डाटा है जिसमें बहुत नॉइजेज है, मतलब कि आपको इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा कि आप प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं। ये कह रहा है कि बॉस से आप 7 बजे बात करें और बॉस लड़के आओ अपनी बीवी से 7 बजे, तो आपका काम हो गया। इस साइकोलॉजिकल क्लॉक के अध्ययन को गौर से देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि जिसे ब्रिटिश रिसर्चर्स ट्वीट्स में खोजते रहे, उन तथ्यों को योगियों ने कई हजार वर्ष पहले पहचान लिया होगा। योग क्रियाएं सूर्य और चंद्रमा के आधार पर बांटी गई है। सुबह एनर्जी के लिए सूर्य नमस्कार और शाम को शांति के लिए ध्यान यानी मेडिटेशन साइकोलॉजिकल क्लॉक से मेल खाते हैं। पहले जमाने में आपको याद होगा कि हमेशा ये कहा गया है कि भारतवर्ष में कि जो व्यक्ति अर्ली इन द मॉर्निंग उठता है और जल्दी रात में सो जाता है, उसका सारे सिस्टम प्रॉपरली काम करता है। तो योग कहता है कि हमारे सारे शरीर का जो हम दिन भर की दैनिक दिनचर्या होती है वो सूर्य से होती है, सूर्य के अकॉर्डिंग। जैसे कि कोई इंडिविजुअल अगर अर्ली इन द मॉर्निंग उठता है और सूर्य नमस्कार का अभ्यास करता है सनलाइट में, तो सनलाइट में सन में 7 कलर्स होते हैं और 7 कलर्स होते हैं हमारे 7 चक्रास को एक्टिवेट करते हैं या हमारे इंडोक्राइन सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। महान कलाकार, बड़े खिलाड़ी, कामयाब अभिनेता, ऐसे कई लोग हैं जो अपनी फील्ड में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए शरीर के साथ साथ मन को कंट्रोल करने की भी साधना करते हैं, यानी वो अपना मूड कंट्रोल करने की महारत हासिल कर लेते हैं। क्लासिकल डांसर रानी जैन को स्टेज पर परफॉर्म करना हो तो दिन का चाहे जो वक्त हो इनका मूड अपने आप अच्छा हो जाता है। ये कला के लिए साधना का ही कमाल है कि मूड भी कंट्रोल हो जाता है। मूड ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी और दुनिया में चले गए हैं और जो डेली रूटीन होता है उससे हम बिल्कुल हटे हुए होते हैं। जैसे हम फैमिली भी संभाल रहे हैं और घर भी देख रहे हैं और सब कुछ है, हम घर में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे यार नथिंग। पर जब आप एक स्टेज पे आते हो और एक आर्ट फॉर्म को प्रेजेंट करते हो तो लगता है कि आपसे बढ़कर कोई है ही नहीं इस लाइफ में। आप साइकोलॉजिकल क्लॉक से संकेत लेकर दिन का रूटीन तो तय कर सकते हैं, लेकिन लकीर के फकीर बनने से पहले ये सोच लीजिएगा कि रोज शाम के 7 बजे सब अच्छा हो ये जरूरी नहीं, और इसी तरह हर दोपहर खराब हो ये भी जरूरी नहीं। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, तो अच्छा सोचिए सब अच्छा होगा। पूजा मकर, जी मीडिया। तो आज हमने आपको आपकी बॉडी क्लॉक के बारे में बताया, और अगर आप इस बॉडी क्लॉक के बारे में ध्यान रखेंगे, इसको फॉलो करेंगे, तो इसके नतीजे बहुत जल्दी आपके सामने आएंगे और वो नतीजे बहुत शुभ होंगे। कोई देश कितना